बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल अपनी हरकतों और बयानबाजियों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब गोपाल मंडल अपने नए कारनामे को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल बिहार के भागलपुर में मायागंज अस्पताल में हाथ में पिस्टल लेकर जेडीयू विधायक घूमते नजर आए। दरअसल ये पूरा वाक्या मंगलवार की शाम का बताया जाता है। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचे थे। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि गोपाल मंडल अपने हाथ में पिस्टल लेकर चल रहे हैं। विधायक अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं, वहां अपने परिचित मरीज से मुलाकात करते हैं। इसके बाद वो अपने सुरक्षा गार्ड के साथ हाथ में पिस्टल लेकर वापस चले जाते हैं। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप अस्पताल में हैं, आपके हाथ में पिस्टल क्यों, तो उनका जवाब था, मेरी जान को खतरा है, बहुत राजनीतिक दुश्मन है, इसलिए हथियार लेकर चल रहे हैं। हालांकि गोपाल मंडल के हाथ में जो पिस्टल था, उनका लाइसेंस उनके पास है। वीडियो में दिख रहा है कि उनके पास सुरक्षा कर्मी भी हैं। फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक विधायक को इस तरह खुलेआम हाथ में पिस्टल लेकर अस्पताल में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।